हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PCS एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वेम्बनाड लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जियादल रिवर को लेकर के, तो जियादल रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एक इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर की सब ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है जियादल रिवर। जियादल रिवर का ओरिजिन होता है अरुणाचल प्रदेश में, जो हिमालय रीजन है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद में आसाम में आकर के ये सुबनसिरी रिवर में अपने वाटर को मर्ज करती है और लास्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। जो जियादल रिवर है उसको कुमोटिया एंड संपारा रिवर के नाम से भी जानते हैं। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इम्पोर्टेंट न्यूज़, IPCC के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बात बोली। उन्होंने ये बोला कि प्रेजेंट टाइम में एक मेजर डिस्कशन चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। अभी IPCC की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसमें भी इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया है कि हमने टारगेट लिया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देंगे हम अर्थ का पेरिस एग्रीमेंट में, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम के डिस्कशन के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर को व्यू करें तो अभी तक प्री इंडस्ट्रियल एरा से अगर हम कंपैरिजन करें तो 1.1 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। और इसी तरीके से अगर हम एमिशन करते रहे तो हमारा जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे अर्थ का, उस टारगेट को हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है तो हमें हमारे एनर्जी सेक्टर में कुछ मेजर चेंजेस करने होंगे, जैसे कि हमें जो फॉसिल फ्यूल्स जिसका हम यूज कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना होगा, वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर फोकस करना होगा, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होगा, और फॉसिल फ्यूल्स के जो भी अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जिनसे एमिशन कम होता है उनके ऊपर काफी ज्यादा रिलाई और उनका यूज करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उन्होंने बात की है जिससे हम एमिशन को कम कर सकें, और जो प्रेजेंट टाइम में इशू है टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। IPCC ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में ये बात भी रखी है कि आने वाले टाइम में जो भी कोस्टल एरियाज में, जो भी कंट्रीज जिनके कोस्टल एरियाज लगते हैं वहाँ पर मेजर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, क्योंकि सी लेवल इंक्रीज होने की जैसे वहां पर जितनी भी पॉपुलेशन है उनके लिए काफी ज्यादा हर्डल्स क्रिएट होने वाली है। तो इन सारे इश्यूज को अगर हमें सॉल्व करना है तो मेजर फोकस हमें करना होगा कि हमारा एमिशन कम से कम हो, और एमिशन अगर हमें कम से कम करना है तो इसके लिए हमें ऐसे फ्यूल्स का यूज करना होगा जिससे भी एमिशन कम से कम हो, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग जो इशू है वो कम से कम हो सके, वो टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा तो सारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकेंगे। अब IPCC को लेकर के हम बेसिक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन की एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी के रूप में काम करता है, और ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो होता है, मतलब मानव की वजह से, ह्यूमन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको लेकर के नॉलेज गेन करना, उसको लेकर के स्टडीज़ करना, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है IPCC। IPCC को 1988 में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम दोनों ने मिलकर के इसको एस्टेब्लिश किया था, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपका क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, हमारे इंडिया के लोकसभा में न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल को पास कर दिया गया है वॉइस वोट से।
हम रेगुलर इसको लेकर के डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो PRS जो साइट होती है जहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में जो भी इम्पोर्टेंट बिल पास होते हैं उनको लेकर के यहाँ पर अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, वहाँ उस साइट पर हम इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को व्यू कर लेते हैं कि पहले जो बिल था और पहले जो एक्ट था और प्रेजेंट टाइम में जो बिल लाया गया है न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, उनमें क्या डिफरेंसेज हैं। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो पहले जो एस्टेब्लिश एक्ट जो था उसमें और प्रेजेंट टाइम में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या चेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले जो हमारे जो एक्ट था उसका नेम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। इसमें जो पुलिस ऑफिसर हैं उसको अलाउ किया जाता था कि जो भी पर्सन जो कन्विक्ट्स हैं और अरेस्टेड पर्सन्स, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके फुटप्रिंट्स, उनकी जो भी आइडेंटिफियल इंफॉर्मेशन है उनको पुलिस ऑफिसर्स कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा मजिस्ट्रेट अगर ये अलाउ करे, मजिस्ट्रेट ये बोले कि आप उनकी फ़ोटो भी आपको रखनी है, तो ये सारा काम किया जाता था। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, DNA टेक्नोलॉजी तक का यूज़ होने लग गया, तो उसी के बेसिस पर प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी है उन सभी को इंसर्ट करने की कोशिश की गई है ताकि जो क्राइम्स हैं उनकी संख्या को काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सके। यहाँ पर कुछ की फीचर्स हैं जो पहले जो 1920 का जो एक्ट है और अभी प्रेजेंट टाइम में जो बिल लाया जा रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात की जाती है कि जो डाटाज उसमें क्या क्या कलेक्ट किया जाएगा। तो पहले फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, इंप्रेशन और फोटोग्राफ्स के लिए भी जब मजिस्ट्रेट अलाउ करे तब इन सबका कलेक्शन होता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें ऐड किया गया है कि बायोलॉजिकल सैंपल्स और उनका एनालिसिस, जैसे कि बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जो हैं जिसमें सिग्नेचर हो गया, हैंडराइटिंग हो गई, एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 53 and 53A ऑफ CRPC इंक्लूड्स ब्लड, सीमन, हेयर सैंपल, स्वैब्स, इन सभी का एनालिसिस किया जाएगा DNA प्रोफाइलिंग के लिए। इन सभी का कलेक्शन किया जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि कौन इनका कलेक्शन कर सकते हैं। तो पहले क्या होता, मतलब किन पर्संस का कलेक्शन किया जा सकता है, तो पहले क्या होता था कि अगर किसी हीनियस, किसी रिग्रेस क्राइम के लिए अगर किसी को 1 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उन कन्विक्टेड और अरेस्टेड पर्संस का जो डाटा है उनको कलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा अगर हम जो पर्सन जिनकी गुड बिहेवियर के बेसिस पर या फिर पीस को मेंटेन करने के बेसिस पर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो उनसे रिलेटेड जो डाटा है उनको प्रोवाइड किया जाता था। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट ये बोल दे कि हाँ इस कलेक्शन में ये जो केसेज हैं इनमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए इस अरेस्टेड पर्सन के इन सारे डाटाज़ की ज़रूरत है, तब जा कर के वो सारे डाटा कलेक्ट किए जाते थे। लेकिन अभी चेंज क्या किया जा रहा है कि जो भी कन्विक्टेड और अरेस्टेड पर्सन, चाहे किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए उनको अरेस्ट किया गया हो, उन सभी के जो डाटा हैं जिसमें बायोलॉजिकल सैंपल जो है उनको भी क्या लिया जाएगा, उनको भी कलेक्ट किया जाएगा। हाउएवर बायोलॉजिकल सैंपल में बी टेकन फोर्सिबली ओनली फ्रॉम पर्सन अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट ए वीमेन और ए चाइल्ड और इफ द ऑफेंस कैरीज ए मिनिमम ऑफ 7 ईयर्स इन इम्प्रिजनमेंट, मतलब 7 साल से ज़्यादा की सजा हुई हो, या फिर एक वीमेन के खिलाफ या चाइल्ड के खिलाफ में उन्होंने कुछ गलत काम किया हो, तब जा करके उनके फोर्सिफली भी, मतलब एक तरीके से ज़बरदस्ती भी उनके जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनको इकट्ठा किया जा सकता है अभी प्रेजेंट न्यू बिल के अंदर। इसके अलावा वो पर्सन जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर डिटेन किया गया है उनके भी डाटाज को कलेक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर करे कि हाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए इस पर्सन की, चाहे उसको गिरफ्तार किया गया है या फिर नहीं किया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उनका कलेक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता था जिसमें पुलिस स्टेशन का जो SI रैंक लेवल का ऑफिसर या फिर उससे अबोव लेवल का जो ऑफिसर होता था उसी को ये जो डाटा है वो कलेक्शन करने का अप्रूवल दिया जाता था या फिर मजिस्ट्रेट इसको लेकर के कुछ अप्रूवल जारी करे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर जिसके पास चार्ज है, इसके अलावा अगर हम बात करें हेड कॉन्स्टेबल या उससे ऊपर की रैंक वाले कोई भी जो ऑफिसर हैं वो जा करके, और इसके अलावा प्रिजन जेल में जो हेड वार्डन होता है वो जा करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें रखी गई हैं अभी नए बिल में। हालांकि इसको लेकर के ये बात बताई गई है कि नया बिल जो है वो लोगों की, जो पर्सन है उनकी प्राइवेसी को एक तरीके से वायलेट करेगा और
राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था। तो एक तरीके से आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसको लेकर के अपोज भी किया गया है कि कमेटीज़ के पास में इसको भेजा जाना चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी इसका व्यू करे और इसके बाद में उसमें जो भी रिकमेंडेशन दी जाए कि इसमें इन इन चीज़ों की चेंजेस की ज़रूरत है, उन सभी चेंजेस के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर आर्टिकल है श्रीलंका को लेकर के। श्रीलंका में अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है गोटाबाया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपील की है जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं कि हमें सबको मिलकर के श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो इश्यूज हैं, उनको मिलकर के हमें सोल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि अभी हमने देखा कि श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ जिसके बेसिस वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। यहाँ पर आर्टिकल है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान में हमने डिस्कस किया कि सैटरडे को वहाँ की पार्लियामेंट में जो नो ट्रस्ट वोट लाने की कोशिश की जा रही थी उसको वहाँ के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कि बाहर से अदर कंट्रीज़ यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है पोजिशन पार्टीज़ को और उसी के बेसिस पर ये जो नो ट्रस्ट वोट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो प्रेसिडेंट को सजेशन देते हैं कि आप डिसॉल्व कर दीजिए पार्लियामेंट को, इसके अलावा 90 डेज में नेक्स्ट इलेक्शन की बात कीजिए। अब इसको लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर गई। हालांकि डिस्कशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉमिस किया है कि रीजनेबल ऑर्डर पास किया जाएगा इसमें। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बात बोले कि जो डिसीजन निकल करके आया है उसी को रेगुलर रखे, इसके बेसिस पर तो क्या होगा कि 90 डेज में वहाँ पर दोबारा से इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन निकल करके आया उसको चेंज करता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, नो ट्रस्ट वोट जो है, उसको पास करवाया जाएगा और अगर अपोजिशन पार्टीज़ के पास में एक तरीके से मेजोरिटी है तो वो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब आज जो हमारा एडिटोरियल पेज है वहाँ पर भी इसको लेकर के डिस्कशन किया गया है कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने किस तरीके से वहाँ कर दो मेजर जो पार्टीज़ हैं उनको रिप्लेस करके अपनी पार्टी को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया और प्रॉमिस किया था एक नया पाकिस्तान देने की। लेकिन उन्होंने साथ में भी आर्मी के साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस, अदर कंट्रीज़ के साथ में बहुत सारे इशूज की वजह से यहाँ पर जिन मोटिवस के बेसिस पर या जिन होप्स के साथ में उन्होंने पाकिस्तान में अपने आप को एस्टेब्लिश किया था एक न्यू पार्टी के रूप में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उनसे सेटिस्फाइड, एक तरीके से सेटिस्फैक्शनरी जो आंसर है वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। और इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है वहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ ने कि वहाँ की जो पॉपुलेशन जो सेटिस्फाइड नहीं है प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट से, उसी को लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर अपने आप को मेजोरिटी प्रूफ लाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, जो सेम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आर्टिकल है कि देखो जब इमरान खान यहाँ पर आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो उस टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू थे पाकिस्तान में। तो उन्होंने एक सजेशन दिया, उन्होंने एक होप दी वहाँ के लोगों को कि हम काम करेंगे आपके बेटरमेंट के लिए और एक नया पाकिस्तान जो है उसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पावर में आते हैं उनके साथ में कुछ मिस्टेक्स वो करते हैं, जैसे कि इकोनॉमी को लेकर के उनका मिसमैनेजमेंट रहा, इसके अलावा मिलिट्री के साथ में उनके जो रिलेशन हैं वो भी मिसमैनेजमेंट वाले रहे, इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज़ का जो हॉस्टिलिटी वाला रीजन है, फुल स्पेक्ट्रम हॉस्टिलिटी, उसको लेकर के कभी भी वो वर्क नहीं कर पाए। तो यहाँ पर यही कारण रहा जिसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सभी एक साथ आई और उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, विरोध किया जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि मिलिट्री के साथ में उनके रिलेशन कुछ बेहतरीन नहीं रहे इमरान खान के, यही नेचर रहा कि यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन के ऊपर जैसे ही रशिया ने अटैक किया वो रशिया की विजिट पर गए इमरान खान, लेकिन वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने यूक्रेन के साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए कि यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हो रहा है वो गलत है, रशिया को ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो एक ही कंट्री से अगर अलग अलग स्टेटमेंट निकल करके आ रहे हैं तो ये चीज़ें शो करती हैं कि वहाँ पर बेसिक लेवल पर काफ़ी ज़्यादा क्या है, कन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूक्रेन रशिया को लेकर के ही आर्टिकल है। राइटर का ये बोलना है कि प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस को एस्टेब्लिश करने में इंडिया अपना एक इम्पोर्टेंट रोल बना सकता है और विश्व गुरु के रूप में अपनी जो पोजीशन है उसको एस्टेब्लिश कर सकता है इंडिया।
लगभग 40 डेज हो गई रशिया ने जब फुल स्केल मिलिट्री इन्वेजन यूक्रेन के ऊपर स्टार्ट किया था, और रशिया ने ये जो अटैक करके 1994 का जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम है उसके अंडर जो भी सिक्योरिटी अश्योरेंस या फिर इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी उसको वायलेट करने की कोशिश की है रशिया ने। ओके, हालांकि इसमें बताया गया है कि 40 डेज हो गए हैं वॉर होते हुए, लेकिन अभी तक कहीं भी साइन देखने को नहीं मिल रहा है कि कौन से कंट्री को इसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। 29 मार्च को इस्तांबुल जो टर्की में है उन्होंने डायरेक्ट नेगोशिएशन करने की कोशिश की रशिया और यूक्रेन के बीच में, हालांकि ज़्यादा प्रोग्रेस इसमें सामने नहीं आई। यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि कितने सिविलियंस की उनकी डेथ हो गई है, कितने आर्मी के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है, सेफ्टी प्रोटेक्शन और असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए 4 मिलियन पीपल जो है वो यहां से छोड़ चुके हैं यूक्रेन वाले रीजन को, क्योंकि उनको सेफ्टी प्रोटेक्शन और असिस्टेंस की नीड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इश्यू जब से क्रिएट हुआ है तब से बहुत सारे कंट्री जो हैं वो अपना मीडिएशन रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले भी फ्रांस और जर्मनी ने काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अब यहाँ पर रशिया को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न कंट्री यूएस और यूरोपियन कंट्री जो हैं वो सैंक्शंस उन्होंने लगाए हैं, जैसे कि ट्रेड को लेकर के सैंक्शंस लगा दिया। जो भी उनका एक तरीके से पेमेंट सिस्टम होता था इंटरनेशनल ट्रेड में उसको लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रशियन सेंट्रल बैंक के जो फोरेक्स रिजर्व हैं उनको फ्रोज कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कोई किसी भी तरीके का लोन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता रशिया के द्वारा। तो ये कोशिश की जा रही है कि रशिया को इन पॉइंट्स के ऊपर जब काउंटर करेंगे तो यूक्रेन के साथ में जो भी उनका इशू है उनको वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से जैसे कि बेलारूस टर्की ये जो कंट्री हैं वो पीस टॉक के लिए यहाँ पर वर्क कर रही हैं ताकि दोनों पार्टीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो बेहतरीन हो सके। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अदर अदर पार्टीज़ जो मीडिएशन का रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं वो पोजिशन के ऊपर डिस्कशन कर रही हैं ना कि इंटरेस्ट के ऊपर। पोजिशन क्या होता है? एक सरफेस स्टेटमेंट होता है जहाँ पर वो पार्टी क्या चाहती है। जैसे कि रशिया की डिमांड है कि यूक्रेन जो है यूक्रेन के कुछ पार्ट जैसे कि डोनेस्क और लुहांस्क वाला जो पार्ट है उनको सेपरेटिस्ट रिपब्लिक के रूप में रिकॉग्निशन दी जा सके, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उनको रिकॉग्निशन मिले। ये रशिया की डिमांड है, रशिया की ये मांग है कि ऐसा होना चाहिए। जबकि उनका इंटरेस्ट क्या है, ये इस तरीके का स्टैंड रशिया क्यों ले रहा है, इसके पीछे उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, उन रीजन्स के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या कारण है, वाई इज रशिया फोकस्ड ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस सेपरेटिस्ट एरिया। ओके, डिमांड है रशिया की कि उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करो, लेकिन ये डिमांड है क्यों, क्या रीजन है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो मीडिएशन जो है वो इस तरीके का मीडिएशन एज ए कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टूल कैन असिस्ट द पार्टीज इन आइडेंटिफाइंग देयर हिडन इंटरेस्ट एंड फैसिलिटेट देम इन वर्किंग टुवार्ड्स क्राफ्टिंग ए सॉल्यूशन दैट ईच ऑफ द पार्टीज वुड वैल्यू ए यूरोप ऑफ कॉमन सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी वेयर द सॉवरेंटी ऑफ ऑल नेशन यूक्रेन रशिया एंड वेस्ट एंड द आर गारंटेड। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि देखो पोजीशन के बेसिस पर ना हो करके अगर हम इंटरेस्ट के बेसिस पर अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि सभी कंट्रीज जो भी उस एरिया में कंट्रीज हैं या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सभी को काफ़ी पीस और स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिले। ओके, अब यहाँ पर इंडिया के स्टैंड की बात आती है तो इंडिया ये कर सकता है कि यहाँ पर दोनों के कंट्रीज़ के बीच में जो उनके इंटरेस्ट हैं कि क्या क्या इशू हैं, रशिया का क्या इशू है, किसके बेसिस पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है हम बात कर रहे हैं इस टाइम में अभी जो इशू चल रहा है इसमें हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन में क्या क्या वहाँ पर डिग्रेड हो रहा है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के जो पॉपुलेशन उनको इशू हो रहे हैं इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर हम इसके इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करें और ये डिस्कस करें कि रशिया ने अटैक क्यों किया, अगर उस कारण का उस रीजन का हम पता लगाने की कोशिश करें तो ये जो इशू है वो सोल्व हो सकता है। और आने वाले टाइम में भी इस तरीके के मेजर कन्फ्लिक्ट अगर दो कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलते हैं तो इन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इजीली जो है वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंडिया जो है वो अपना रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है और अपने आप को विश्व गुरु के रूप में एस्टेब्लिश ईजिली कर सकता है, क्योंकि इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या स्टैंड है, इसके लेकर के अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो बहुत सारे इंटरनेशनल डिग्नेट
डिग्नेटरीज इंडिया के विजिट पर रहे अलग अलग कंट्रीज से। इससे ये लगता है कि इंडिया की इंपोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसी के लिए इंडिया के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है सभी कंट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के है। अभी अगर हम बात करें तो 2 अप्रैल को इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है, टारगेट डिसाइड किए जाते हैं कि आने वाले 5 साल में या आने वाले जो और भी जो ईयर्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो होप रखी गई है कि आने वाले 5 ईयर्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड है वो 45 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। अगर हम प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 27 बिलियन डॉलर तक जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेड है वो इतना एग्जिस्ट करता है और आने वाले टाइम में 10 लाख एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी। इसके अलावा इंडिया विल गिव 85% ऑफ ऑस्ट्रेलियाज एक्सपोर्ट जीरो ड्यूटी एक्सेस टू इट डोमेस्टिक मार्केट। दोनों कंट्री जो हैं वो जीरो ड्यूटी के बेसिस पर एक दूसरे के जो मार्केट है डोमेस्टिक मार्केट उनको अवेल कर पाएंगे। दोनों जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे जिससे मार्केट की ईजिली अवेलेबिलिटी होगी, बेहतरीन तरीके से एक्सेस हो पाएगा और जो रिजल्ट है वो काफी शानदार होंगे। अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर साथ में फोकस कर रहा है किसी तरीके के एग्रीमेंट हो ताकि इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है तो अदर कंट्रीज में इजीली उनको मार्केट की अवेलेबिलिटी हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अप्सा लॉ को लेकर के। तो अप्सा एक्ट जो है 1950 एक्ट का है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि 31 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये अनाउंस किया कि आसाम, मणिपुर और नागालैंड में अप्सा एक्ट को पार्शियली बेसिस पर कुछ एरिया का जो डिस्टर्ब्ड एरिया जिनको डिक्लेयर किया गया था वहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया है। ओके, आप सभी को पता है कि अप्सा एक्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से प्रोसीजर में आया था। तो 1942 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम में आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दी गई थी ताकि क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस किया जा सके, इसीलिए सबसे पहले इसको बनाया गया था और इसको लेकर के 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे। मतलब एक तरीके से फाउंडेशन जो है वो इसका टाइम उसी टाइम डिक्लेयर हो गया था। फिर 1947 में आसाम डिस्टर्ब्ड एरियाज़ को कंट्रोल करने के लिए पार्टीशन के बेसिस पर जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आए उसको एक तरीके से सोल्व करने के लिए एक नई डील की गई और उसमें 1947 में आसाम वाले एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 1958 में आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है उसको चेंज करके जो अप्सा एक्ट है उसको लाया गया और एक तरीके से इसका वाइडर एप्लीकेशन, पहले आसाम के ऊपर फोकस किया जा रहा था, अब नॉर्थ ईस्ट या अदर एरियाज़ में अगर हम बात करें जहाँ पर प्रॉब्लम हो उन सभी एरियाज़ को कवर करने के लिए इसको एक वाइडर एप्लीकेशन के रूप में जो पहले जो एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया। इसी तरीके का सिमिलर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में 1990s में इनेक्ट किया गया था। अब जो अप्सा है उसको किस तरीके से इम्पोज कर सकते हैं, तो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर या स्टेट का जो गवर्नर है उसको वो एम्पावर्ड है अप्सा एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर कि उनके पास में पावर होती है कि वो गैजेट ऑफ इंडिया में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करें और जो डिस्टर्ब्ड एरिया है किसी भी स्टेट का या यूटी का उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में डिक्लेयर कर सके। अब वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर मिलती है लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट है। अभी ये जो पार्शियल रिमूव किया गया है इसको लेकर के भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि पार्शियल रिमूव की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल क्लियर रिमूव होना चाहिए और वहाँ के जो लोग हैं उनको इंडिपेंडेंस होना चाहिए, डेमोक्रेसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के बेसिस पर वहाँ के जो लोग हैं वो गवर्न हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आर्मी को वहाँ पर स्पेशल पावर दी है और लास्ट ईयर हमने देखा था कि नागालैंड का जो मोन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 13 सिविलियंस की डेथ हो गई इसी तरीके से आर्मी के साथ में क्लैश में। आर्मी को लगा कि सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स हैं, इंडिया में जो इंटीग्रिटी है इंडिया की सॉवरेंटी है उसको हार्म पहुँचाएंगे, उसी के बेसिस पर एक क्लैश हुआ, अटैक हुआ और वहाँ पर इस तरीके का इंसिडेंट देखने को मिला था। तो अप्सा एक्ट को लेकर के जो कंप्लीट रिव्यू है, कंप्लीट उसका रिप्लेसमेंट है उसको लेकर के बात की जा रही है। हालांकि नागालैंड में जब वो इशू हुआ लास्ट ईयर दिसंबर में तो उसके बाद में स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी ने भी ये रिकमेंडेशन दी है कि ये जो बिल है ये जो एक्ट है उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए। और 2005 में जो बीपी जीवन रेड्डी की जो कमेटी है उन्होंने भी ये बोला था कि यूएपीए एक्ट के अंडर इसको गवर्न किया जाए क्योंकि टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ जो हम देखते हैं उनको अगर हमें गवर्न करना है तो हमें यूएपीए एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है
वो डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर के है। जम्मू एंड कश्मीर में रंजना देसाई की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, जिसमें हमारे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा जो स्टेट के जो वहाँ की यूटी के जो इलेक्शन कमीशनर उसके मेंबर थे। अब इस डिलिमिटेशन कमीशन को दोबारा बोला गया था कि आप जाकर के ग्राउंड लेवल पर रिव्यू करो, वहाँ के जो सिटीजन है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो प्रोसीजर है, उन सभी के साथ में डिस्कशन करो और फिर बेसिक लेवल पर जाकर के ये जो भी नया चेंजेस है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर के वेणुगोपाल जो अटर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये बोला, एक पिटीशन डाली गई और उस पिटीशन में ये बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसको लेकर के गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से लॉ बनाए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये बात रखी गई है कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो इस तरीके की लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अटर्नी जनरल ने ये भी बोला कि मैंडमस जो रिट है उसके अंडर जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को इस तरीके का बिल लाने के लिए या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेशर राइज नहीं कर सकती है। मैंडमस है क्या? मैंडमस आप सभी को पता है आर्टिकल 32 और 226 के अंडर हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर हमें सेव करना है तो उसको लेकर के हमें कुछ अलग से राइट्स दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट्स के ही पार्ट हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना भी फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी में एक रिट है, एक पार्ट है मैंडमस। इसमें क्या होता है, मैंडमस में कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को एक ऑर्डर जारी करने की कोशिश करता है, अगर उनको कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज़ को फुलफिल करवाना है तो उसको लेकर के वो एक ऑर्डर जारी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर एक इशू हुआ था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बोला है कि सीबीआई जो है वो कांग्रेस के काउंसिल तपन खांडू की जो डेथ हो गई थी उस मर्डर को लेकर के यहाँ पर जांच करेंगे। अब यहाँ पर सीबीआई जो है इसको लेकर के हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया की इंपोर्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में काम करती है सीबीआई। सीबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक इंटरपोल सर्विस होती है। इंटरपोल सर्विस में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड की जो भी हर कंट्री की एक डेजिग्नेटेड जो सर्विस है वो पूरे वर्ल्ड की, इसी तरीके से सभी जो सर्विसेज हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्राइम होता है उसको सोल्व करने के लिए इंटरपोल सर्विस जो है, इंटरपोल पुलिस जो है वो काम करती है। और उसमें रजिस्टर है इंडिया का सीबीआई का, कि इंडिया से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सीबीआई इंटरपोल सर्विस को हेल्प करेगी। आपका क्वेश्चन ये है कि जो इंटरपोल सर्विस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो आईपीसीसी की रिपोर्ट जो हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया, उसी में यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हमें एमिशन कम करना है तो कोल बेस्ड जो भी हमारे यूनिट हैं उन सभी को हमें ख़त्म करना होगा, उनको हमें कम ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये बोला है कि इंडिया में अगर प्रेजेंट टाइम में 211 गीगावाट जो है वो कोल फायर्ड पावर प्लांट से, मतलब ग्लोबल कैपेसिटी का 10% जो है वो हम कोल से जनरेट कर रहे हैं, तो कोल को हमें रिप्लेस करना होगा, तभी जाकर के हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर WHO ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि पूरे वर्ल्ड में पोल्यूटेड एयर की अगर हम बात करें तो 99% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ कर रही है, मतलब पोल्यूशन लेवल जो है वो इस लेवल पर इंक्रीज हो चुका है। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।